सो ग्रेविटेशन में हम लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशन फोर्स, वेट एंड मास, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वेट एंड मास डिफरेंस एंड थ्रस्ट, प्रेशर, ये देख रही थी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, ठीक, ये रखा गया है, और द मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितने दिया गया है, इस 5 किलोग्राम है। ओके, एंड डायमेंशन कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, कितनी है, एक है 40 लेंथ विद 20 एंड एक कितनी है 10 है, ऐसे दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, ठीक, इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप में रखा जाता है, कब, अगर उसके साइड की डायमेंशन क्या हो, कब हो, अगर साइड की डायमेंशन क्या हो, 20 * 10 हो, कहाँ पे हो, सरफेस पे हो, दिख रहे हैं। अब बताना इस क्या निकालना है, प्रेशर निकालना, राइट, तो प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, पी इक्वल टू, जब वो पानी होता है कि नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, थ्रस्ट होता है, राइट, बट इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो इसका वेट अप्लाई हो रहा है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, इस फोर्स का एम इंटू जी होगा, नहीं होगा, बोलो, एम होगा जी होगा, और अपॉन में ए क्या है, एरिया, ठीक, तो जो जिस एक जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है, ये मास 5 किलोग्राम, तो इस पे थ्रस्ट कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, एम जी लगेगा, नहीं लगेगा, तो एम इंटू 9.8 होगा, नहीं होगा, बोलो, होगा, होगा तो 5 * 9.8 कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया है, ठीक। अब फोर्स कितना हो गया है, फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ए क्या है, एरिया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके सरफेस क्या है, अगर पहले ब्लॉक की बात की जाए जिसकी साइड क्या है 20 * 10, तो अगर 20 * 10 की बात की जाए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 * 10 होगा, नहीं होगा, बोलो, जो सरफेस पे होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा नहीं होगा, ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा ये, ठीक, तो जो नीचे वाला सरफेस है, देख, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे ये चीज, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये 20 * 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एफ कितना है, 49, एरिया कितना हो जाएगा, अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेंटीमीटर दिया गया है, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, तो सभी को कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो यहाँ पे क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये बोलो, 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.2 होगा, नहीं होगा, बोलो, 0.2 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर, कितना हो जाएगा ये, 49 अपॉन 0.2 * 0.1, पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.2 * 0.1 कितना हो जाएगा, 0.02 होगा, नहीं होगा, होगा 0.02 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, तो अब कितना हो जाएगा, 14 * 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है, न्यूटन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कब, अगर 20 * 10 का रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस अब अगर कहा जाए 14 * 10 हो जाए, कितना हो जाए, 14 * 10, तो क्या हो जाएगा, फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स वही रहेगा ना, फोर्स वही रहेगा 49 न्यूटन का, और एरिया कितना हो गया, अभी एक 40 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर * 10 सेंटीमीटर है, तो अब क्या हो जाएगा, 49 न्यूटन अपॉन 40 सेंटीमीटर में कितना गई, 0.4 मीटर, और 10 सेंटीमीटर देखिए 0.1 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये, 49 अपॉन 0.04 होगा, नहीं होगा, बोलो, होगा,
ऊपर न्यूटन, नीचे क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/0.04, ये हो जाएगा 6, नहीं नीचे क्या दिया 4.4 into, अच्छा यहाँ 20 दिया गया है तो 0.2 हो जाएगा, क्लियर है, 20 होगा तो ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.08। अब कितना हो जाएगा ये 612.5 newton meters का, क्लियर देखने, क्लियर है प्रेशर, यहाँ से कोई डाउट? ओके तो अगर प्रेशर एग्जर्ट बाय किया कितना, इस कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है नीचे है 20 newton रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्रेशर 2450 newton meters square। अगर 40-20 रखेंगे तो क्या होगा 612.5 into newton meters को, ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर किसमें काउंट कर लेंगे पहले, मीटर में तभी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, प्रेशर इन फ्लूड्स, ठीक, तो प्रेशर इन फ्लूड्स क्या होता है, अच्छा बताइएगा कि जो भी लिक्विड होते हैं वो गैस होते हैं, ठीक ठीक क्या, अब बात करते हैं कि प्रेशर कहाँ बात कर रहे हैं, फ्लूड बात कर रहे हैं, तो फ्लूड होते क्या है, जो भी लिक्विड होते हैं और जो गैस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूड, क्लियर है। यस तो क्योंकि होता है क्या, जो सॉलिड होता है, कोई सॉलिड पार्टिकल वैसे मान लो बॉक्स है, ठीक ये सॉलिड है ना, तो ये क्या होगा, ये जो सॉलिड है वो क्या करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर कहाँ पे, सरफेस पे करता है, कहाँ पे करता है, सरफेस पे, क्यों, क्योंकि इसका वेट होता है, क्लियर है। तो अगर वेट के कारण फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करता है तो आप कहोगे जो फ्लूड है वो उसमें भी वेट होता है, होता कि नहीं होता है, तो फ्लूड आल्सो है वेट, ठीक, सो क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर, लेकिन कहाँ पे, ऑन द बेस पे करता है, कहाँ पे करता है ये, बेस पे करेगा, और कहाँ करेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर पे, क्लियर है, क्लियर है, इन विच दे आर इनक्लोज्ड, क्लियर है, क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूड की बात कर रहे हैं, फ्लूड मतलब लिक्विड एंड गैस, ठीक, वो प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेंगे, बेस पे करेंगे और वॉल पे, जिस कंटेनर को रखा जाए, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन सॉलिड कहाँ करेंगे, वो सरफेस पे करेंगे अपने, जो उनका सरफेस रहेगा, क्लियर है, यस ठीक है। अच्छा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक, इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूड में, वो ट्रांसमिट होता है किसमें, अनडिमिनिश हो जाता है, ठीक, ऑल डायरेक्शन में, क्लियर देखने, क्लियर है। अब एक वर्ड समझते क्या है यहाँ पे, बोयंसी, क्या बोयंसी, बोयंसी क्या है, बोयंसी एक फिनामना है, ठीक, बोयंसी क्या एक फिनामना है, क्यों होता है, एक फोर्स लगता है जिसे क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, ठीक, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे हम लोग, ठीक, वैसे एक फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स, ठीक, जो कॉज करता है कि ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, फ्लोट कर सके, क्लियर है, क्लियर है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि उसमें फोर्स लगता है जिससे क्या कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, क्लियर है, क्लियर है। यस तो होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लिक्विड में, किसमें रखते हैं, लिक्विड में, ठीक, तो होता क्या है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, कैसा लगता है, फोर्स, अपवर्ड फोर्स, हाँ ठीक, ऑब्जेक्ट पे लगता है, कौन लगाता है, वो बाय द लिक्विड, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस अब बात ये कि जो फोर्स है, अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ फिगर दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये सरफेस मान लो, ये सरफेस क्या, किसकी सरफेस, किसका है, ये वाटर का है, क्लियर है, ये फ्लूड मान लो कोई भी, ठीक, और ये क्या है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट जैसे मान लो क्या है, ये पानी है मान लो, ये कोई लिक्विड है मान लो, ठीक, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला गया, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब बता दो इस ऑब्जेक्ट का अगर कोई वेट होगा, नहीं होगा, होगा नहीं, होगा नहीं होगा, बोलो, होगा इस ऑब्जेक्ट कोई मास होगा, मान लो इसका मास क्या है, एम है, ठीक,
ठीक, ये मास एम है तो ये नीचे क्यों एक फोर्स लगाएगा, ठीक, तो कौन सा फोर्स होगा, ये इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा बोलो, क्योंकि नीचे इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है नहीं, कि बोलो ऊपर से, ऊपर से क्या ग्रेविटी लग रही है, नहीं लग रही बोलो, ठीक, तो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है उससे नीचे आना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक सरफेस है, ये इसे रोक रहा है, अगर ये इसे रोक रहा है तो कोई नीचे आ रहा है तो उसको अगर रोक रहा है तो उसका जो नीचे जो रोक रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, अपोजिट में, अपोजिट होनी चाहिए, तो नीचे से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, किस पे लगेगा, इस बॉल पे लगेगा, जिससे क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स हाँ बॉयंट फोर्स, या फिर इसे क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉयंसी, क्लियर है, यहाँ पे क्या है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, क्लियर है, अब बता दो, ठीक, यहाँ जो जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं है, बोलो, अच्छा जो ये फोर्स है, ये बॉयंट फोर्स, ये किसके बराबर होगा, ये ठीक उसके बराबर होगा कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस प्लेस हो रहा है, करेगा हाँ, द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, किसके ना, ये किसके लिक्विड के बराबर बात कर रही है, ये लिक्विड के वेट के वेट के बात की जा रही है, जो डिस्प्लेस होगा, ठीक, डिस्प्लेस होगा मतलब क्या हुआ, कि जब इसमें पानी रखा जाएगा, मान लो कि कोई कंटेनर ले लो, ठीक, और उसको पूरा फिल कर दो, क्या कर दो, पूरा फिल कर दो, ठीक, अब इसमें कुछ भी डाल दो जो थोड़ा सा भारी हो, फिर ना भारी हो, तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट डाले तो इसमें से कुछ, ये नीचे का जो पानी हटा के कुछ स्पेस ले रहा है, नहीं ले रहा, बोलो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये पोर्शन दिख रहा है, येलो कलर का मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है, इसने इतना पानी हटाया कि नहीं हटाया, बोलो, तो जितना पानी हटाया एक तरीके से वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बोलो, निकलेगा निकलेगा, तो ये जो वाटर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, यही इस फोर्स के इक्वल होगा, क्लियर है कि क्लियर है, क्लियर, और ये जो फोर्स एक किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, किस पे, डेंसिटी पे, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे जिसको हमने लिक्विड के अंदर डाला, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, किस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के जो बॉल है, ठीक, मतलब इस ऑब्जेक्ट के किस पे डिपेंड करेगा, ये जो ये क्या है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस, ठीक, इस ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो बॉल है, इस बॉल के दो चीजों पे, एक तो डेंसिटी कितनी है और दूसरा कितना, इस बॉल का वॉल्यूम कितना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस ठीक है, अब एग्जांपल देखते क्या कह रहे हैं, मान लो कोई ड्रॉन किया गया वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक, वेल से निकल गया, ठीक, तो हम क्या फिल्ट करते हैं, ठीक, कि जो बकेट होती है वो हैवी होगा या नहीं होगा, बोलो, कभी भी मान लो कोई कुआ ले लो, उसमें पानी निकालो, ठीक, या फिर एक काम करना कि किसी बड़े बाल्टी बकेट में या टब में एक ग्लास पानी लेना, ठीक, और उसको बांध देना, फिर तो जब तक जो ग्लास है पानी के अंदर है तो हल्की लगेगी, नहीं लगेगी, बोलो, हल्की लगेगी, और जैसे उसे बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, ठीक, जैसे पानी बाहर आ जाएगा तो भारी हो जाएगी, तो जब तक वो पानी के अंदर रहेगी तो पानी क्या करता है, ये कोई लिक्विड कह दो, वो नीचे से क्या लगाता है, बॉयंसी फोर्स लगाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उस ऑब्जेक्ट पे, क्लियर है, यस तो जब ये नीचे से फोर्स लगा रहा है तो ओवरऑल इसका वेट कम लगेगा, नहीं लगेगा, इसका लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, तो ये क्यों लगे होता है कि जो बकेट है पानी के अंदर कम लगती भारी, ठीक, और पानी के बाहर हैवी हो जाती है, क्योंकि जो बायोसी फोर्स हट जाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसलिए भारी होता है, क्लियर है, यस अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कि अगर कोई शिप हो, किससे बनी हो, आयरन और स्टील की बनी हो, किसकी, आयरन और स्टील की बनी हो, ठीक, तो वो सिंक नहीं करेगी सी वाटर में, क्लियर है, ठीक,
बट अगर मान लो सेम अमाउंट ऑफ आयरन हो, तो कोई स्टील ले ली जाए, ठीक, और उसका क्या बनाया जाए, शीट बनाया जाए, तो क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। ओके, अब समझते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या है। इतना क्लियर है कि निकले, बॉयंसी क्लियर है कि निकले रहे। बॉयंसी क्या एक तरीके से फिनोमेना है, एक तरीके से, ठीक, जो ऑब्जेक्ट को फ्लोट करता है। क्यों होता है, बॉयंट फोर्स की वजह से। जो बॉयंट फोर्स है वो क्या है, अपवर्ड एक्शन फोर्स लगता है, ठीक, किस पे लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया गया है, ठीक, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, उस वेट ऑफ द लिक्विड के होगा जो डिस्प्लेस किया गया है, क्लियर। और जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो लिक्विड जो डिस्प्लेस, वो किस पर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम पे, क्लियर है, क्लियर। तो अब समझते हैं बॉयंट फोर्स क्या एक्चुअल में। तो बॉयंट फोर्स एक तरीके से क्या होता है, ये क्या है, अपवर्ड फोर्स, क्या है, अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक, किस पे अप्लाई होता है, कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है जिसको चाहे कंप्लीटली यही पार्शली सबमर्ज कर दिया जाए लिक्विड में, क्लियर है। अब ये क्या एक तरीके से फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बॉयंट फोर्स की, ये न्यूटन ही होगी, ठीक। और बॉयंट फोर्स किस पर करता है, इनके टू फैक्टर हैं, एक तो वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, क्लियर है, और दूसरा किस पर करेगा, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, यहां से कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई एन आयरन एल नेल सिंक करता है वाटर में, जो आयरन नेल क्या है, ठीक, वो सिंक करता है वाटर में, ठीक, डूब जाता है, ठीक, लेकिन अगर कोई शिप बनाओ किससे, वो क्या करेगा, आयरन से बनाओ तो क्या करेगा, शिप, तो शिप फ्लोट करती है, ठीक। अच्छा एक काम करना घर पे, कि एक वो ले लेना आरपीन, या कोई सुई ले लेना, नेटल ले लेना, उसको उसमें डाल देना पानी में, तो दो डूब जाएगी, नहीं डूब जाएगी बता दो। और कोई एक टॉय ले लो जो स्टील का ही बना हो, शिप ले लो, तो डूबता है, नहीं डूबता है, तो बात ही क्यों ऐसा होता है, ठीक। अच्छा बता दो, जो आयरन का नेल होता है उसका वॉल्यूम कम होता है कि नहीं होता, बोलो। अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ड्यू टू बायोन्सी का, क्लियर कि नहीं क्लियर है, रीजन क्या है इसका, कोई चीज फ्लोट करे तो उसका रीजन क्या होगा, बायोन्सी होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और डिटेल में समझना हो तो क्या समझते हैं, जो आयरन नेल है, ठीक, उसका वॉल्यूम कम होता है, और शिप का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगर जो आयरन नेल है उसका वॉल्यूम कम है, तो वाटर डिस्प्लेस कम करेगा, ज्यादा करेगा, ये कम करेगा, ठीक, और शिप क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा मोर वाटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। अगर वाटर डिस्प्लेस कम करेगा तो बॉयंट फोर्स कम लगे, नहीं लगेगा, बोलो बोलो, जो अपवर्ड एक्शन फोर्स लग रहा है कम लगे, नहीं लगेगा, ठीक। अब बता दो कि कोई चीज ऐसे है ऊपर से फोर्स मान लो बहुत ज्यादा लगा दो इसका, इसका फोर्स बहुत ज्यादा लगा दो, ये फैकल्टी क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, ठीक, तो ये नीचे आएगा, और नीचे से जो फोर्स लगा रहा हो मान लो वो कम रहे, बहुत रखो, ये ऊपर मान लो इतना छोटा लगा दो, छोटा फोर्स लगाओ, तो कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा यहाँ पे, ऊपर फोर्स ज्यादा ही नहीं ज्यादा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा, बोलो, अंदर आ जाएगा, नहीं पानी के अंदर, बोलो, आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट लिए, ठीक, यहां पर भी एफ लग रहा है इक्वल टू, एफ इक्वल टू क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक, लेकिन मान लो जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो इसके इक्वल लग जाए, क्या लग जाए, इक्वल लग जाए, या इससे ज्यादा लग जाए, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि ऊपर से फोर्स, ऊपर से फोर्स नीचे गिरा रहा है, और नीचे जो वाटर फोर्स क्या कर, ऊपर क्यों लगा रहा है, तो अगर नीचे फोर्स ज्यादा होगा तो ये पानी पे तैरेगा, नहीं तैरेगा, बोलो, ऑब्जेक्ट, क्लियर है, तेरे तैरेगा।
तो ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा, जो शिप होती है वो फ्लोट क्यों करती है? क्लियर है? यहाँ आप देख रहे हो, दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ जो निडल है, दिख रहा है इसका जो फोर्स लग रहा है, दिख रहा है ये, इस पे फोर्स कम लग रहा है, दिख रहा है इस स्मॉलर बॉयंट फोर्स, और शिप कितना दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे बनाया गया है, तो यहाँ ग्रेटर बॉयंट फोर्स से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, अगर इसको बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, तो क्या कहा जाए कि अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, लेस देन वन है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर में, क्लियर है? और अगर रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है एक से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, क्लियर है? तो अगर वही कह रहे हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक से कम है, ठीक, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। और अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक, मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत ज्यादा हैवी कर दिए हैं, वेट इसका बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर है, तो क्या कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, क्लियर? ठीक है। अब यह क्वेश्चन है, ठीक, कि व्हाई डज एन आयरन की जो बॉल है वो सिंक करती है, लेकिन प्लास्टिक की बॉल क्या होती है, वो फ्लोट करती है, ये आप लोग बताइएगा, ओके, फाइंड करिएगा, ओके। अब एक चीज और समझते हैं, कितना बचा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचे हैं, थोड़ा सा इसको पूरा कर ले, नेक्स्ट क्लास में इसको करना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट इतना आप लोग पढ़ के जरूर जाएगा, ओके, बॉयंट फोर्स क्या होते हैं, ओके, वेट, मास, प्रेशर, ओके। तो फिर आज की क्लास ये एंड अप करते हैं, ओके। तो फर्स्ट टाइम प्रश्न में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वी हैव स्टडीड द थ्रस्ट प्रेशर राइट। तो व्हाट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं थ्रस्ट, क्लियर है। और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्लियर है। और यूनिट क्या होती है, थ्रस्ट के यूनिट, थ्रस्ट क्या एक्चुअल में है, फोर्स है, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, क्लियर है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्लियर है। जहां एफ क्या है, फोर्स और थ्रस्ट, एंड ए क्या है, एरिया, ओके। फिर अच्छा, जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पास्कल क्यों है, इन द हॉनर ऑफ ब्लेज पास्कल, ओके। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो भी हम लोग का प्रेशर किस पर करेगा, जो कांटेक्ट है, ठीक, जो एरिया कांटेक्ट सरफेस पर रहेगा वही लेंगे। फिर क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेशर इन लिक्विड्स। तो प्रेशर इन लिक्विड्स में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिक्विड एंड गैस है वो क्या है, फ्लूड है। अगर पूछा जाए फ्लूड क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तो क्या है, लिक्विड और गैस दोनों क्या है, फ्लूड है, ओके। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड एग्जर्ट करता है फोर्स कहाँ पे, सरफेस पे, क्योंकि ड्यू टू इट्स वेट। अगर सॉलिड जो है वेट के कारण करता है, तो क्या जो गैस एंड सॉलिड उनमें तो वेट होता है ना, होता ही नहीं होता है, ठीक। तो फ्लूड में भी वेट होता है राइट, वो भी एग्जिस्ट करते हैं प्रेशर पे, कहाँ पे, बेस पे करते हैं, और वॉल ऑन द कंटेनर पे जिसको रखा जाता है उस पे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉयंसी। बॉयंसी क्या है, बॉयंसी एक फिनोमेना है, क्यों होता है ये, बॉयंट फोर्स के कारण, क्यों होता है, बॉयंट फोर्स के कारण। तो बॉयंट फोर्स क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सके, फ्लोट कर सके। ये एक्चुअल में क्या है, जब किसी बॉडी को, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को लिक्विड में डालते हैं, ठीक, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है। और ये जो वेट है, ये जो बॉयंट फोर्स, कितना फोर्स होगा, ये उतना फोर्स होगा जितना, अच्छा जब कोई बॉडी, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, ठीक। तो अब डाला गया, तो इसमें जो लिक्विड है, ठीक,
ये जो स्पेस दिख रहा है येलो कलर का, ये जब अंदर जाएगा वाटर के अंदर तो कुछ ना कुछ वाटर से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक, यही उसका क्या होगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये दो चीज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एक डेंसिटी पे और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा जाए कि यहाँ का ध्यान से देखो, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, ऊपर से क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, तो ये क्या है, ये सरफेस, ये लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, नीचे से एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं क्या है, बॉयंस फोर्स, ठीक, तो ग्रेविटी और बॉयंस क्या करेंगे, ऊपर से ग्रेविटी है, नीचे से बॉयंस है, अब बताना, एक फोर्स ऊपर से आ रहा है ग्रेविटी, जैसे बॉल पर लग रहा है, ओके, और एक फोर्स लग रहा है बॉयंस फोर्स, अगर बता दो ग्रेविटी ज्यादा है तो बॉयंस फोर्स ज्यादा है, अगर बता दो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगा और बॉयंस फोर्स कम होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा फ्लोट करेगा, बता दो, अगर ग्रेविटी ज्यादा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस और सर। अगर ग्रेविटी फोर्स कम होगा और बॉयंस ज्यादा होगा तो क्या हो गया, मतलब क्या है कि नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है मतलब ये सिंक नहीं करेगा, मतलब क्या है जो पानी है इसको ऊपर फेंकेगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये फ्लोट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यस ये सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, कि ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है? यस सर। वेरी ठीक है। तो बॉयंट फोर्स समझना, कि बॉयंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है, ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीटली जब ही पार्शली समझ कर दे लिक्विड में। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है, फोर्स है कि नहीं, बोल जो बॉन्ड फोर्स नीचे से लग रहा है, हम तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, और ये किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, बताया था ना कि कुछ लिक्विड निकलेगा इसमें से, ठीक, तो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और जो डेंसिटी कितनी इस ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आयरन की नेल होती है वो सिंक कर जाती है वाटर में, डूब जाती है कि नहीं, जबकि जो शिप है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, तो कोई भी चीज फ्लोट क्यों करती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो बॉयंसी, क्योंकि अंदर नीचे से से, फॉलो होती है। नो नो नो, बॉयंसी फोर्स लगता है ज्यादा, ओके, क्योंकि जो शिप होता है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, क्योंकि दो चीज डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे और दूसरा डेंसिटी पे। क्लियर? तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस करेगा मोर वाटर, करेगा नहीं करेगा बोलो, और ज्यादा यस वाटर डिस्प्लेस करेगा तो बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा नहीं होगा, अभी थोड़ी देर यस पहले बताया था कि बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है तो सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, बोलो लोड फ्लोट करेगा, करेगा। अभी क्लियर कि नहीं क्लियर है, यस सर। ये हॉलो कारण नहीं होता है, जो शिप है वो हॉलो कहाँ होता है, उसमें तो लोग होते ही नहीं बैठते हैं, ये देखो ये जो दिख रहा है ये पूरा फुल हुआ है, देखो कंटेनर पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसका जो शेप है ऐसे दिख रहा है, ऐसे यस फैले सर। फैले, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे क्या यस है, ये पिन है, इसी पिन को, ठीक, इसको ऐसे कर दो, ऐसे बना लो, फैला दो, ओके, ऐसे ऐसे, तो क्या करेगा, हो सके ही फैले, या फिर इसको ऐसे बना दो तो ये क्या हो, ये भी फैले, क्या करेगा, ये सिंक। सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा, तब जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये फ्लोट। बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है? यस सर। मतलब क्या, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब स्विमिंग करते हैं, ठीक, जैसे ये क्या वाटर है ना, अब मान लीजिए कोई पर्सन है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे ऐसे ही, ठीक, तो ये डूबेगा कि क्या होगा, तैरेगा, बोलो, बिल्कुल सीधा था तो डूब जाएगा। डूब जाएगा, ठीक, क्यों,
क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, दिख रहा है ये वॉल्यूम, दिख रहा है ये एरिया जो दिख रहा है कम है। अब मान लो जो पर्सन है उसको लिटा दो, जैसे लिट गया है दिख रहे हैं? और ये वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है अपने हाथों से, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। जब ये वाटर डिस्प्लेस करते पहले तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ नहीं हुआ, बोलो ज्यादा हुआ। और ये क्या कर रहा है, खुद भी वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो वॉल्यूम जो ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, उतना वॉल्यूम ये ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो। तो इसमें क्या होगा, बायंड फोर्स ज्यादा होगा, तो ये पर्सन क्या करेगा, फ्लोट करेगा इस पे। क्लियर है? ये फिगर जो स्विम करेगा यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक यस सर। है। अब एक तो फैक्टर समझ में आ गया, वॉल्यूम का समझ आया कि नहीं आया, बोलो वॉल्यूम का। यस सर। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, किस पे, डेंसिटी पे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, वॉल्यूम समझ में आ गया। अब क्या समझते हैं, डेंसिटी। ओके, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कम है, क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था, वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, फ्लोट करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, ये सिंक करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और डेंसिटी एक से कम होगी तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी, तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बच्चा अभी आगे सर। देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये भी आगे बताएंगे। ओके, अच्छा अब क्या पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, कि जब भी किसी बॉडी को, ठीक, चाहे फुली ये पार्शली, ठीक, उसको हम इमर्स करते हैं, तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक अपवर्ड फोर्स। क्या लग फिर इसका, अपवर्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स वो किसका होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड जो डिस्प्लेस हो रहा है, जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अच्छा एक बार बता दो, जैसे मान लो कभी क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक धागा लेना, धागे में कुछ कोई स्टोन या कुछ भी बांध लेना है। ओके, जब कोई बुक बांध, बुक नहीं, कोई भी सुबस बांध लेना। ओके, और कोई स्टोन बांध लेना और ऐसे ऐसे पकड़ना है, तो क्या देखोगे कि जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, ये पूरा खिंच जाएगा, ठीक। लेकिन जब इसी को क्या करोगे, किसी वाटर में डालोगे, ये किसी लिक्विड में, ठीक, तो क्या फील होगा कि जो इसकी लेंथ है, देख रहा है ये वाली, ये क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा जो इसकी स्ट्रिंग है वो जो टेंशन था वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जो इसकी इलोंगेशन है किसकी, स्ट्रिंग की, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज होगी तो क्यों, मतलब क्या है हुआ कि, मतलब ये हुआ कि जो ऊपर से नीचे आ रहा था डोरी, ठीक, वो कि ढीली हो गई, तो मतलब क्या हुआ है कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा, नहीं लग रहा, बोलो, तभी तो ढीला हुआ कि नहीं ढीला हुआ, बोलो। यस सर। तो कौन सा फोर्स है, वो बॉयंट फोर्स है, जो अपवर्ड होता है, क्लियर है? और ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, क्लियर है? यस ये फिर ऐसे मान लो कि पहले मान लो ये क्या है, एक कंटेनर है और इसमें जो वाटर है यहां तक का है, ठीक, यहां तक का है, और इसका हमने नाप लिया यहां तक का ही, ठीक। अभी क्या हुआ है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, ये मान लो जब इसको ऊपर से इंसर्ट किया जा रहा है यहाँ से, ठीक, जब इसको इंसर्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, बोलो, ठीक। तो यस क्या सर। होगा, इस वाटर का जो लेवल है, जो पहले यहाँ था, हो सकता है वो यहाँ पे हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, बोलो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बोलो, थोड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यस पानी सर। लो और पानी में
कोई भी सीमेंट डालो तो थोड़ा सा जिसको लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, ये वाला। यस सर, तो जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है ठीक जितने अमाउंट का वही उतना इसका फोर्स लग रहा है, क्लियर है? निकले बॉन्ड फोर्स यस क्लियर सर, है? तो अगर चेक करना हो कि बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? जो ये वाटर का हाइट निकला है ये, उसको निकाल लो। क्लियर है? यस सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं किसमें, किसी लिक्विड में, ठीक, तो क्या होता है? एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगता है, क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, कब फ्लोट करे कोई ऑब्जेक्ट? अगर जो अपवर्ड बॉयंट फोर्स है वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट वेट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा तो यही तो हम यही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा था, बोलिए, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बोलिए। ठीक, कि कोई ऑब्जेक्ट है ये वाटर में है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे नहीं लग रहे बोलो? कितना लग रहा होगा ये फोर्स? एमजी लगे नहीं लगे बोलो? यस सर, एमजी नीचे को लग रहा है। ठीक, तो नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, वेरी गुड। दिख रहा है? ये देखो, ये देखो मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है? ये क्या होगा, इसको बी मान लो, बॉयंट फोर्स। ठीक, और जो फोर्स लग रहा है किसके बराबर होगा? ये जब वाटर बीकर के अंदर आया है कंटेनर के अंदर, तो जो ये वाटर इंक्रीज है ये आने से इसके जितना होगा ये वही बॉइंट फोर्स होगा, क्लियर है? क्लियर है? कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ऊपर का फोर्स जो है एफ मान लो, एफ वाला ज्यादा है बॉइंट कम है, तो क्या होगा? ये सिंक कर जाएगा। और ऊपर से वेट कम है मान लो, बॉइंट फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा। अब देख लो, ये वही तो लिखा नहीं लिखा, पढ़ो खुद पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है। An object will float if the upward buoyant force is greater than the object weight. देखो वही तो लिखा नहीं लिखा है, देखो जो है फोर्स क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट है कि नहीं बोलो? यस सर, और ऑब्जेक्ट का वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एमजी होता है कि नहीं एमजी, बोला होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था है कि नहीं? यस सर, ठीक है, अब समझो थोड़ा और से समझते हैं। जैसा दिख रहे हैं ये क्या है, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा है, ओके, और ये एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है रोम्बस साइज का, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे इसका वेट देखा गया तो कितना दिख रहा है इसका, कहाँ पे दिख रहा है? सीएम दिख रहा है, कितना दिख रहा है? दिख रहा है, देखो कहाँ पे है ये, सीएम पे है, देखो मेजर किया गया, दिख रहा है 7 है। ठीक, अब इसको जब डुबाया जा रहा है, देखो डुबा रहे हैं हम, अच्छा देखो ये पूरा पूरा फुल हो गया, ठीक, मतलब कि इसको तो वहां तक भर दिया है कि अब जो भी पानी गिरेगा वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वाटर रिप्लेस होगा, होगा या नहीं होगा? यस अब इसमें डाला गया है तो जो इसका वेट है पहले कितना हो रहा था, 7, अब कितना शो कर रहा है देखो 4, मतलब क्या हुआ, क्या इसका जो वेट है कम हो गया है क्या बोलो? यस सर, तो ये कम क्यों हो गया है? क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है बॉयंट फोर्स लग रहा है, क्लियर है? यस सर, और जो कम हुआ है कितना कम हुआ है, पहले से मतलब कितना हुआ है, 4 हो गया है, तो डिफरेंस कितना हुआ है देखो, 3 का हुआ थ्री, है, तो जो 3 का हुआ है, ठीक, तो अगर 3 का हुआ है तो वाटर कितना निकला, ये 3
ठीक है, निकले निकले नहीं निकले बोलो, अभी यस क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, अब तो दिक्कत नहीं? यस सर, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो वेट, अब क्या इस वेट को क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट। क्या बोलते वेट, हैं? तो अपेरेंट अपेरेंट वेट, वेट, हाँ अपेरेंट वेट क्या होगा? जो वेट ऑब्जेक्ट का था कहाँ पे, एयर में, क्लियर है, उसमें से थ्रस्ट फोर्स जिसको बोलते हैं बायंसी माइनस कर देंगे। देखो देखो समझ लो, अपेरेंट अभी अभी पानी के अंदर आ गया है, इसका वेट कितना हो गया है बता दो। अगर निकालना है अपेरेंट फोर्स, निकालना है वेट कितना हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का वेट बाहर कितना बता दो, 7 है देखो, ये 7। बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है, वाटर कितना निकल रहा है, ये 3 के, तो इसका वेट कितना, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो? 4 होना चाहिए ना, तो देखो 4 वेट है इसका भी, क्लियर है? यस ओके सर, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, आर्किमिडीज क्या बोलते हैं, जो बायन फोर्स है, ठीक, अगर है तो कोई भी फॉर्मूला होगा, नहीं होगा, जो बायन फोर्स किसके बराबर होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूड जो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिए गए हैं, रो जी वी दिया गया है, जहां रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड, वी क्या है, सबमर्ज वॉल्यूम, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है? यस ये सर, फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट क्या है जैसे टॉपिक, आर्किमिडीज रिलेटेड, फॉर्मूला तक की है, ओके नहीं रिलेटेड बता, इंडस्ट्री नहीं है टॉपिक, नहीं सर, ओके तो ये इसको नहीं पढ़ना है, यस सर, ओके फाइन। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? यस सर, ओके तो आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ के आएगा, ओके, तो कहीं कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।